खान और रहमान जी। ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। मोबिलाइजेशन की कहीं कोई उसमें जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है, और उस विषय को डाल करके बच्चे को भ्रमित करके उत्तेजित करके 5-6 बच्चे जाके मिलेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, सरकार सजगता के साथ बच्चों के हित में काम करेगी। सीबीएसई नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अब काफी ज्यादा अतुल पकड़ रहा है। यह गर्दनी बाग से उठकर अब सियासी गलियों तक पहुंच चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर खान सर और रहमान सर पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उन्होंने छात्रों को सिर बरगलाने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ भी कहा वीडियो में आप सुनिए। की बातों से यही लगा कि इनको भड़म में डाल कर करके और लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। अभी बच्चे ही बता रहे थे कि 23 सितंबर को वैकेंसी निकली, 18 अक्टूबर तक डालने का अवसर मिला, फिर बच्चों के आग्रह पर और पर्व त्योहार को देखते हुए 4 नवंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंड किया गया जी सर। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई उसमें जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है, और उस विषय को डाल करके बच्चे को भ्रमित करके उत्तेजित करके ये दो खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। ये घोर निंदनीय है। शिक्षक का जिम्मेवारी है बच्चों के भविष्य को बनाने का, न कि बिगाड़ने का, न कि अराजकता पैदा करने का। और अभी हमने चेयरमैन से बात किए हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में ही तो हम लोग कर रहे हैं। आज जितनी बहाली नियुक्ति अभी निकलेगी ये किसके लिए है? जो लोग हम लोगों को आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है और उन्होंने चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कल 5-6 बच्चे जाके मिलेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, सरकार सजगता के साथ बच्चों के हित में काम करेगी। ये संवेदनहीन वो लोग हैं जो नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाते हैं, पैसा तसिलते हैं। ये एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बच्चों के और बिहार के हित में, देश के हित में काम करती है। और हमने अभी बात करके इनका टाइम फिक्स किया है कि जाके ये लोग मिलेंगे और आग्रह करेंगे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, बिहार को बदनाम न करें। उन्होंने वीडियो में साफ तौर पर कहा कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आयोग ने कभी उठाया ही नहीं था, जिसको लेकर खान सर ने छात्रों को बरगलाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष ने बात की है कि कुछ 5 लोगों की टीम जाकर उनसे मिले और वो इन बातों पर चर्चा करेंगे। बाकी आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहें सच टॉक।